जयपुर हाउस में वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय के बाहर सड़क पर बड़े वाहन खड़े हुए हैं। इन वाहनों की वजह से यहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बुधवार को कार्यालय के बाहर सड़क पर तो हद ही हो गई। जहां एक लाइन ट्रकों की पहले लगती थी, वहां बुधवार को दो लाइन में ट्रक खड़े हुए देखे गए। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लंबे लंबे ट्रकों का ये नजारा ट्रांसपोर्ट नगर का बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन वाहनों को देखकर तो यही लगता है कि ये ट्रांसपोर्ट नगर ही है, लेकिन नहीं, ये नजारा है जयपुर हाउस में बने वाणिज्य कर कार्यालय के बाहर का। दरअसल विभाग जो ट्रक जांच के दौरान पकड़ता है उसे यहीं पर खड़ा करवा देता है, लेकिन बुधवार को तो हद ही हो गई। एक लाइन की बजाय दो लाइन में यहां पर खड़े हुए ट्रक दिखाई दिए। इससे राहगीरों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जयपुर हाउस में हम लोग रहते हैं। हम लोग इन ट्रकों के रोड खड़े होने से बहुत परेशान हैं। सारे दिन ट्रकों से जाम लगा रहता है और इतना जाम लगा रहता है कि बस कई बार तो एक्सीडेंट हो गए। ट्रक खड़े हुए हैं, पैदल जाने में दिक्कत भी होती है, पैदल जाने में परेशानी होती है। और गाड़ी से ट्रैफिक जाम हो जाता है, मोड़ने में दिक्कत होती है, मोड़ने में। सड़क पर खड़े होने वाले वाहनों की वजह से चार पहिया वाहनों और दो पहिया वाहनों को मुड़ने में साइड नहीं दिखती है। खड़े वाहनों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। ये है क्या पोजीशन है यहाँ पर ट्रकों की? बहुत ट्रक खड़े रहते हैं यहाँ पे, मतलब पूरा ट्रक का भीड़ रहता है यहाँ पे पूरे टाइम। क्या दिक्कत आती है निकलने में? मतलब ट्रैफिक लग जाता है बहुत ज्यादा, मोड़ने में दिक्कत होती है। टर्न कैसे होते हैं? टर्न में भी बहुत दिक्कत आती है। कुछ बच्चे जाते हैं टर्न करने में, बीच में खड़े हो जाते हैं ये सब, जो साइड नहीं दिखती जो बिल्कुल भी। हाँ, काफी सारी प्रॉब्लम होती है ऐसे निकलने में, ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। बुधवार को लोग ज्यादा ही परेशान दिखे। बुधवार को सड़क पर बड़े वाहनों की डबल लाइन देखी गई। इसकी वजह से सड़क छोटी सी हो गई। इससे जाम के हालात बनने लगे। लोगों का कहना है कि ट्रकों की व्यवस्था विभाग को कहीं और करनी चाहिए। बहरहाल विभाग का प्रस्ताव शासन को पार्किंग को लेकर भेजा जा चुका है। अब ये काम कब तक हो पाता है, अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।